टुडे वी विल कंटिन्यू विद अवर टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स और आज मैं बात करूंगा अबाउट द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन राउंडिंग ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सर अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम एक मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेजरिंग लेंथ और लेंथ आपने मेजर की वो निकल कर आई 25.4 मीटर। सो ये जो मेजर्ड वैल्यू लिख रहे हैं इट इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अगर मेरे पास एक स्केल है सपोज करो ये मीटर स्केल है इसके ऊपर डिविजन्स इस तरीके से बने हुए हैं। ओके सपोज दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू इज 6। सो 5 और 6 के बीच में इतने डिविजन हमने किए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस टोटल लेंथ फ्रॉम 5 to 6 सपोज करो दिस इज सेंटीमीटर। इसको हमने डिवाइड कर रखा है 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर। सो आई कैन मेजर 1/6 ऑफ द सेंटीमीटर। 5 से 6 के बीच की जो लेंथ है सपोज हमने किया कि ये 1 सेंटीमीटर है और इसके बीच में हमारे 6 डिवीजन है तो एट बेस्ट इस स्केल से हम 1/6 ऑफ अ सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इस स्केल से हम इतनी लेंथ एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। अगर हमारे ऑब्जेक्ट का साइज ही इससे छोटा है तो उसकी लेंथ क्या हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सपोज इफ आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस पेन और ये पेन का टिप लाई कर रहा है कहीं यहां पर दो डिवीजन के बीच में, तो जब ये दो डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है इतनी लेंथ में हमेशा एरर होगा। ठीक है, तो एरर हमेशा रिलेटेड होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी से। और जब भी हम कोई एक मेजर्ड वैल्यू लिख रहे हैं तो इस वैल्यू के अंदर उस मेजरिंग इक्विपमेंट उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सारी की सारी डिजिट एक मेजरमेंट के अंदर रिलायबल नहीं हो सकती, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स हैं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है, सो किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिर्फ कुछ ही डिजिट्स होंगी जो रिलायबल होंगी और इसके अंदर जो सबसे पहले वाली डिजिट है इसको माना जाता है कि आप सबसे ज्यादा रिलायबल डिजिट बोलेंगे डिजिट 2 को और सबसे कम रिलायबल डिजिट है यहां पर डिजिट 4। सबसे ज्यादा अनसर्टेन डिजिट यहां पर डिजिट 4 है और इसके बाद इससे ज्यादा एक्यूरेसी लेवल पर हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम फिजिक्स के अंदर कोई भी मेजर्ड वैल्यू फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस के अंदर कोई भी मेजर्ड वैल्यू लिख रहे हैं तो सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के बारे में कुछ ना कुछ बताती हैं। अब इसी चीज को समझने के लिए आई हैव एन एग्जांपल। सपोज करिए कि आपने एक नया नया डायमंड खरीदा और आपने डायमंड शो किया अपने एक दोस्त को। आपके घर पे आपके दोस्त आए हुए थे चाय पीने के लिए, आपने उनको दिखाया कि भाई मैंने ये डायमंड खरीदा है कल। तो आपके दोस्त ने कहा कि भाई ये तो मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपने घर पे दिखाना चाहता हूँ। और दोनों दोस्तों के बीच में अगर विश्वास होगा तो सपोज करिए आपने उसको डायमंड दे दिया कि ठीक है आप अपने घर पे दिखाना चाहते हो आप ये डायमंड उनको दिखा दो। सो योर फ्रेंड बोरोड एन एक्सपेंसिव डायमंड फ्रॉम यू डैट यू हैव बॉट यस्टरडे। अब इतना महंगा आपने डायमंड खरीदा है तो आप थोड़े केयरफुल रहने की कोशिश करोगे, हर आदमी सेफ साइड रहना चाहता है। सो बिफोर हैंडिंग ओवर द डायमंड यू वेड इट ऑन योर वेइंग स्केल एंड यू मेजर डैट The value is 8.17 ग्राम। आपने डायमंड हैंड ओवर करने से पहले उसको केयरफुली वेट किया, उसको आपने मेजर करके देखा, उसका वजन नापा और आपको मिला 8.17 ग्राम। अब डायमंड और गोल्ड ये ऐसी चीज है कि आप इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हो। ठीक है, डायमंड का आपने वजन मेजर किया वो निकल कर आया 8.17 ग्राम, आपने हैंड ओवर करने से पहले उसको नापा, दिस इज 8.17 ग्राम। और इसी काम के लिए आपने एक स्केल खरीदा हुआ था डायमंड वगैरह का वजन लेने के लिए और वहां पे आपने देखा कि आपके मेजरिंग स्केल की जो एक्यूरेसी है वो है 0.05 ग्राम। ठीक है, सो आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो किस एक्यूरेसी तक वेट को मेजर कर सकता है? वो मेजर कर सकता है 0.05 ग्राम की एक्यूरेसी तक। अगर वजन इससे कम होगा तो वो अनसर्टेनिटी वहां पर रहेगी। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कि ये 0.05 ग्राम से ज्यादा बढ़िया मेजर नहीं कर सकता। सो एक ऐसे स्केल से इन्होंने वजन मेजर किया और स्केल पर वैल्यू आई 8.17 ग्राम। डायमंड इन्होंने दे दिया और कॉपी में नोट कर दिया कि भैया इसका वजन था 8.17 ग्राम डायमंड को हैंड ओवर करने से पहले। नेक्स्ट डे व्हेन द डायमंड इज रिटर्न यू वेड इट अगेन एंड द वैल्यू वाज 8.09। अगले दिन आपके मित्र ने आपको आपका डायमंड वापस किया और आपने दोबारा से उसको मेजर करके देखा कि कहीं यार इसने कोई झोल ना किया हो, मुझे कोई फर्जी डायमंड ना दे दिया हो। आपने दोबारा उसका वजन किया और दोबारा वजन करने पर वो निकल कर आया 8.09 ग्राम। ठीक है, अब आप जो हो आपने देखा यार 8.09 ग्राम यहाँ पे 8.17 ग्राम है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने दोस्त ने कुछ घपला किया है। तो इस काम के लिए अब आप क्या करोगे? क्या आप पुलिस को बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? तो साइंटिफिकली अगर हम साइंस को देखें फिजिक्स को देखें या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए क्या हमको पुलिस को बुलाना चाहिए? आप अगर पुलिस को बुलाएंगे आपकी दोस्ती खराब हो गई लाइफ टाइम।
ठीक है, आप एक तरीके से उसको चोर ही बोल रहे हो, तो आपको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? आपका बड़ा ही विश्वसनीय वो मित्र है, इस केस में आप क्या करेंगे? सो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि एक्यूरेसी लेवल आपका जो वेइंग स्केल है 0.05 ग्राम है, एक बार आपने वजन किया 8.17 ग्राम निकल कर आया, अगले दिन आपने वजन किया 8.09 ग्राम निकल कर आया, ऐसे केस में क्या करना चाहिए? सो इसका आंसर हम दे सकते हैं, अगर आप ये समझते हो, आप जानते हो कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हैं, आप जानते हो कि हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई एक्यूरेसी लेवल है, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लिमिटेशन होता है। जैसे मीटर स्केल के अंदर जो आप स्कूल के अंदर स्केल यूज करते हो वो एट बेस्ट 1 मिलीमीटर की लेंथ को नाप सकता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट लेवल पर वो आपको लेंथ नहीं बताएगा। तो अगर कोई लेंथ दो डिवीजन के बीच में लाई कर रही है तो उतना एरर हमेशा ही होगा, यानी कि आपका स्केल क्या गलती कर सकता है, उस 1 मिलीमीटर की लेंथ को नापने में गलती करेगा, बाकी में गलती नहीं करेगा। अब आइए देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए, आपको पुलिस बुलानी चाहिए या नहीं बुलानी चाहिए। अगर आपको साइंस की नॉलेज है, आप समझते हैं कि मेजरमेंट्स कैसे होता है फिजिक्स के अंदर, तो उससे आप एक एनालिसिस करेंगे और हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। सो पहले दिन देखते हैं, डे 1। सर ऑन डे 1 यू मेजर्ड द वेट ऑफ द डायमंड और वो निकल कर आया 8.17 ग्राम, लेकिन आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड एक एक्यूरेसी है और वो हमें बता रखी है डेट इट इज प्लस माइनस 0.05 ग्राम, यानी कि आपने जो मेजरमेंट की है ये मेजरमेंट एक रेंज के अंदर लाई करेगी। हम एट बेस्ट क्या बता सकते हैं, 8.17 भाई एग्जैक्ट थोड़े, उस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई एरर है, तो हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो 8.12 to 8.22। एक्यूरेसी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की 0.05 है, यानी कि ट्रू वैल्यू कहां पर लाई करनी चाहिए, 8.12 ग्राम से लेकर 8.22 ग्राम तक। यही चीज हम समझ रहे थे अभी तक कि हमेशा हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन है, वो एक एक्यूरेसी लेवल के अंदर लेंथ को मेजर कर रहा है, 8 ग्राम तो पक्का है बट ये 8.12 से लेकर 8.22 ग्राम तक हो सकता है, ये मतलब है कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। ये जो वेइंग स्केल है इसके अंदर एरर हो सकता है 0.05 ग्राम का, यानी कि जो आपकी वैल्यू है जब आपने वेट मेजर किया 8.17 ग्राम निकल कर आई, तो ये 8.12 ग्राम से 8.22 ग्राम के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही है। अब डे 2 के अंदर हम देखते हैं क्या हुआ। डे 2 दूसरे दिन आपने वजन मेजर किया, वो निकल कर आया 8.09 और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी लेवल है 0.05 ग्राम। 8.09 एंड एक्यूरेसी लेवल इज 0.05 ग्राम। इन दिस केस सो द वैल्यू विल लाई बिटवीन 8.01, नेक्स्ट डे इट वॉज 8.09 ग्राम एंड एक्यूरेसी लेवल इज दिस, ओके सो इट विल बी बिटवीन 8.012 8.14। सो दूसरे दिन जब आपने वजन किया, ट्रू वैल्यू हमारी किस रेंज के अंदर लाई कर रही है, ट्रू वैल्यू हमारी लाई कर सकती है 8.01 से लेके 8.14 की रेंज तक, और पहले दिन जब आपने मेजर किया हमारी वैल्यू लाई कर सकती है 8.12 से लेकर 8.22 ग्राम तक। क्या आपको पुलिस बुलानी चाहिए? हमारा आंसर होगा कि आपको पुलिस नहीं बुलानी चाहिए। क्यों नहीं बुलानी चाहिए? तो अगर हम इसको एक नंबर लाइन पर लिखने की कोशिश करें, अगर इसको एक नंबर लाइन पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो सर आप देखोगे सबसे कम इसमें कौन सी वैल्यू है, 8.01। 8.01 को यहां पर लिख लेते हैं, फिर वैल्यू जो है हमारी वो है 8.12 8.12, उसके बाद वैल्यू है 8.14। इन सारी वैल्यूज को मैं एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज 8.14 एंड द लास्ट वैल्यू इज 8.22। सर जो पहले दिन आपने मेजरमेंट की वहां 8.12 से लेकर, यानी कि फर्स्ट डे की मेजरमेंट में हमारी जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी इस रेंज के अंदर लाई कर रही है। ये है हमारा फर्स्ट डे, और जब आपने सेकंड डे मेजरमेंट की तो उस केस के अंदर हमारी ट्रू वैल्यू वो लाई कर रही है 8.01 से लेकर 8.14 तक। अब इन दोनों रीजन में एक और लैप है, दोनों दिन ही आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये बता रहा है कि ट्रू वैल्यू हमारी 8.12 से 8.14 के बीच भी हो सकती है, तो सर ये उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, वो इससे बेटर आपको नहीं बता सकता, वो हमेशा हमें एक रेंज बताता है कि हमारी ट्रू वैल्यू इस रेंज के बीच में हो सकती है। तो आप केवल संशय के बेसिस पर अपने फ्रेंड को पुलिस के हवाले नहीं करोगे,
क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों दिन के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो 8.12 से 8.14 के बीच लाई कर सकती है। ठीक है, तो इस केस के अंदर पुलिस को बुलाना ना समझी होगी। विल यू कॉल द पुलिस? हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ी है, हम समझते हैं कि यार हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई एक्यूरेसी लेवल होता है और हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, और जब कभी भी हम वो मेजर्ड वैल्यूज लिख रहे हैं तो वो मेजर्ड वैल्यूज हमें उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी लेवल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये हमने समझा है पिछली क्लासेस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट, आई होप कि ये एग्जाम्पल सभी को समझ में आया है, एंड नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ दी मेजर्ड वैल्यूज। ओके, हम बात करेंगे कि जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब डिवाइड कर रहे हैं या हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या होंगे। तो अब उन रूल्स को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव रिटन हेयर टू एग्जाम्पल्स, वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। हमने सपोज कीजिए हमने लेंथ मेजर की, लेंथ निकल कर आई 12.0 मीटर, और हमने टाइम मेजर किया 7.0 सेकेंड। सो ये अगर लेंथ है और ये टाइम है तो ये चीज क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम इज स्पीड। सो क्या स्पीड हम इतनी एक्यूरेसी लेवल तक जानते हैं? भाई इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूं, अगर मैंने एक वैल्यू लिखी है डेट 1.234, सो यहां से ये इंडिकेशन आ रही है, अगर मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूं 1.234 मीटर, तो इंडिकेशन ये आ रही है कि हम 1000 पार्ट ऑफ अ मीटर भी मेजर कर पा रहे हैं। 0.234, 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10 ऑफ अ मीटर। 0.2 इज 1/100 ऑफ अ मीटर, बट 0.234 इट मींस 1/1000 पार्ट ऑफ अ मीटर। हम इतने एक्यूरेसी लेवल तक लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं अगर मैं कोई भी वैल्यू इस तरीके से लिख रहा हूं। ओके, सो अगर किसी ने वैल्यू इतनी लिखी है, क्या हमारे पास ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इतनी एक्यूरेसी लेवल तक हमें स्पीड बताएगा? जबकि लेंथ हमने मेजर की है 12.0, एक्यूरेसी लेवल यहां पर तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और यहां पर मुझे पता लग रहा है कि एक्यूरेसी लेवल 1/10 ऑफ मीटर है, और यहां से मुझे पता लग रहा है कि एक्यूरेसी लेवल टाइम की मेजरमेंट में 1/10 ऑफ टाइम है। तो इसीलिए ये वैल्यू तो स्पीड की नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ के अंदर एक्यूरेसी कुछ और है, टाइम के अंदर एक्यूरेसी कुछ और है, तो यहां पर इतनी ज्यादा एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती। तो अब क्या रूल होगा हमारा? जब कभी भी, अब रूल बनता यह है, जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, यहां दो नंबर हैं इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनका हमने डिवीजन किया है, तो राइट हैंड साइड पर जो रिजल्ट है उसके अंदर उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी जो लेफ्ट हैंड साइड में जिस नंबर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो 12.0 के अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7.0 के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर के अंदर हमारी दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। यह रूल हमने डेवलप किया है कि भैया एक्यूरेसी टू सिग्निफिकेंट डिजिट से ज्यादा की नहीं हो सकती इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर। जब हम इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो दो नंबर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड किए हैं उनके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट दो है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल दैट व्हेनेवर टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द प्रोडक्ट कंटेन्स एज मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑन द इन द नंबर्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। अब इस केस में देखते हैं, ये नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई किए 25.2 इंटू 1374 डिवाइडेड बाई 33.3, और राइट हैंड साइड पर इधर ये सारी डिजिट्स हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं, इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 25.2 के अंदर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1374 के अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो जो राइट हैंड साइड पर हमारा रिजल्ट निकल कर आया उसके अंदर सर जो मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तीन। तो हमारे आंसर के अंदर भी तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए। जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है उनमें से जिस नंबर के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वही हमारे आंसर के अंदर होंगी। ये रूल्स है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर। सो यहां पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यहां पर दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी कि मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना होगा। ठीक है, इस नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना होगा और हमारे फाइनल आंसर में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी कि मुझे कितना आंसर रिटेन करना है? दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। सो इट वुड बी 1.7। अब जो नंबर 7 है, फाइनली लिखने से पहले हमें इसको राउंड ऑफ भी करना होगा।
सेवन नंबर इस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है, इसके बाद वाला नंबर वन है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.7। उसी तरीके से यहां पर हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखनी है और यहां पर तो बहुत सारी हैं, सो इसका आंसर 1030। ओके, इसका आंसर होगा 1030, क्योंकि हमें तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, यानी कि हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है। सो नंबर डिजिट तीन हमको राउंड ऑफ करनी होगी, ये थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको राउंड ऑफ करोगे, इसके बाद वाला नंबर नाइन है, तो इस डिजिट को मुझे इंक्रीज करना होगा, इस डिजिट को मुझे इंक्रीज करना होगा और आंसर आएगा 1040। नाउ सर यू कैन आस्क मी व्हाई द आंसर इज 1040। 1040 के अंदर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो द आंसर वुड बी दिस। तीन सिग्निफिकेंट डिजिट ही मुझे रिटेन करनी है सर। आंसर जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो 1039 point something, सो आंसर 1000 something ही होगा। सो जब मैं इस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहा हूं, सो इस डिजिट का जो डेसिमल प्लेस है नंबर के अंदर वो थोड़े बदलेगा। ओके, दिस इज थी वंस डिजिट 10, 100, 1000। सो 1039 अगर नंबर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 9 into 1 plus 3 into 100 plus 0। ओके, 9 into 1, 3 into 10 plus 0 into 100 plus 1 into 1000। सो जो डिजिट 9 है ये वंस प्लेस पर है, डिजिट 9 हमारी वंस प्लेस पर है, डिजिट 3 हमारी 10 प्लेस पर है, डिजिट 0 हमारी 100 प्लेस पर है एंड डिजिट 1 हमारी 1000 प्लेस पर है, यानी कि इसका पोजीशन नंबर के अंदर कौन सा है, ये 1000 डेसिमल पॉइंट पर है, ये 100 पर, 10 पर, ये डिजिट 1s। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, यहां पर 3 10s इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो इसका डिजिट प्लेस नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने यहां पर 0 लगाया। तीन सिग्निफिकेंट डिजिट रिटेन करनी थी, दिस इज 1040। और भी एग्जांपल लेंगे जहां से हम राउंडिंग ऑफ को समझेंगे। फर्स्ट लेट अस सी दिस एग्जांपल। हमें एक क्यूब की वॉल्यूम मेजर करनी है और क्यूब की साइड दी हुई है 1.4 into 10 to the power -2 meter। इस क्यूब की वॉल्यूम मेजर करनी है और साइड दी हुई है 1.4 into 10 to the power 3 meter। सो दिस इज वेरी सिंपल सर, वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम इज साइड क्यूब, दिस इज 1.4 into 10 to the power -2 cube ऑफ दिस, इसका क्यूब करना है एंड 1.4 द क्यूब इज 2.744 into 10 to the power -6 meters। ये हमारी वॉल्यूम निकल कर आई, लेकिन जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, दिस इज 1.4 into 10 to the power -2 into 1.4 into 10 to the power -2 एंड अगेन into 1.4 into 10 to the power -2। सो यहां पर जो मैं नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस नंबर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो, और उसके अंदर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी कि आंसर के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी कि मुझे डिजिट 7 तक राउंड ऑफ करना होगा और 7 के बाद वाला नंबर है 4, इसको मैं राउंड ऑफ ही करूंगा, तो हमारा आंसर आएगा 2.7 into 10 to the power -6 meter। सो सर ये है हमारी वॉल्यूम अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम इसको बोलते हैं कि 2.744 ये वॉल्यूम नहीं होगी, वॉल्यूम इतने एक्यूरेसी लेवल तक हमको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि लेंथ हमको कितने एक्यूरेसी लेवल तक पता है 1.4, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर वहां पर हैं, हमारे फाइनल आंसर में दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम भाई हमें लेंथ से ज्यादा एक्यूरेसी पे कैसे पता लग जाएगी, जब लेंथ के अंदर ही हमारा इतना ज्यादा एरर है, तो वॉल्यूम के अंदर कितना एरर होगा, 2.7 into 10 to the power -6 meters। सो ये हमारी वॉल्यूम की वैल्यू है अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ सर नेक्स्ट थिंग इज, अब हम समझते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ये एग्जांपल हमने समझे, अब हमें कुछ रूल्स समझने होंगे, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने समझा कि फाइनल आंसर में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, इस नंबर को राउंड ऑफ करना होगा हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है वो नंबर है यहां पर 7, जिस नंबर को यहां पर राउंड ऑफ करना था वो नंबर है हमारा 3। अब इसी तरीके से जिस नंबर को यहां पर राउंड ऑफ करना था वो नंबर था 7,
सो राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होंगे? सर, जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज द डिजिट इज 14.735. हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू, एक नंबर है 14.735, और सपोज करो हमें इसको राउंड ऑफ करना है अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसको राउंड ऑफ करना है हमको कहां तक? अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यानी के जो नंबर हमको राउंड ऑफ करना है डेट इज नंबर 7. सो डिजिट टू बी राउंडेड इज 7. कौन से डिजिट को राउंड ऑफ करना है? डिजिट 7 को. अब इसके बाद आप देखोगे इसके बाद वाला नंबर अगर ये 5 से कम है सो 7 विल रिमेन अनचेंज्ड. इफ दिस नंबर इज, ये डिजिट 5 से कम है, दिस नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज, सर इफ दिस डिजिट इज, अगर यहां पर कोई हमारी डिजिट मैं लेता हूं 14.765 और एक नंबर और कंसिडर करते हैं 14.754, ठीक है. यहां पर इन तीनों ही केस के अंदर हमें कौन से डिजिट को राउंड ऑफ करना है? डिजिट 7. इन तीनों ही केस के अंदर मुझे डिजिट 7 को राउंड ऑफ करना है. सो 7 के जो बाद वाला नंबर है हमेशा वो देखा जाएगा, यहां पे 7 के बाद वाला नंबर है 3. तो जब भी नंबर 5 से कम होगा इस डिजिट को मैं राउंड ऑफ करके सिंपली लिख दूंगा 14.7. सेकंड केस के अंदर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाली डिजिट है 6, ये है मोर देन 5. इफ इट इज मोर देन 5 सो ये राउंड ऑफ होकर आ जाएगा 14.8. इसको मैं बढ़ा दूंगा अगर 7 के बाद वाली डिजिट, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाली डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो मैं इस डिजिट को 1 से बढ़ा दूंगा. मैंने बढ़ा दिया, दिस इज 14.8. और जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है इसके बाद वाली डिजिट अगर एग्जैक्ट 5 है तो उस केस में क्या करना है? तो यहां पर दो केस हो जाएंगे. अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं वो ओड है, यहां पर जिस डिजिट को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं वो डिजिट है यहां पर ओड, 7 नंबर है, 7 नंबर हमारा एक ओड नंबर है, सो मैं इसको 1 बढ़ा दूंगा और ये आंसर हो जाएगा 14.8. अब सर एक और केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, सपोज करो अगर इस नंबर को भी हमें राउंड ऑफ करना है तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक, सो डिजिट टू बी राउंडेड इज 6. किस डिजिट को राउंड ऑफ करना है? डिजिट 6 को. इसके बाद वाला नंबर क्या है? 5. तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम इसको अनचेंज छोड़ देंगे, इट वुड बी 14.6. अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं वो खुद ओड है तो उसको मैं एक बढ़ा दूंगा, और अगर वो खुद इवन है उसको मैं अनचेंज छोड़ दूंगा. ये कब है? जब बाद वाली डिजिट हमारी 5 होगी. ठीक है, जब बाद वाली डिजिट 5 होगी तो अगर इवन है मैं उसको अनचेंज छोड़ दूंगा, और अगर डिजिट टू बी राउंडेड ओड है मैं उसको 1 से बढ़ा दूंगा. आई होप इस एग्जांपल से जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे. सो इसको और हम कंसीडर करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम कंसीडर करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम कंसीडर करते हैं. जैसे कि वन फाइव फोर सिक्स टू, ये एक नंबर है मेरे पास, और एक नंबर हम लेते हैं 14750. और टेक इट टू बी 14.750 एंड वन ऑफ द नंबर इज 14.650 इंटू 10 टू द पावर 12. वन नंबर इज दिस, वन इज 24.937 एंड वन इज 36.350. वन इज 36.350. इन डिजिट्स को हमको राउंड ऑफ करना है, और से क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपको इनको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो मुझे राउंड ऑफ करना है इनको अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेट अस कंसीडर द फर्स्ट वन.
सर तीन डिजिट तक ही मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। सो यहां पर सिर्फ तीन डिजिट ही, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट ही मुझे रिटेन करनी है, तो डिजिट फोर को यहां राउंड ऑफ करना है। इसके बाद वाला नंबर छह है, पांच से बड़ा है, तो इस डिजिट को मैं एक बढ़ा दूंगा। आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट वुड बी 155। अब सर इस डिजिट फाइव को राउंड ऑफ किया है ना, तो जब मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं इसका डेसिमल प्लेस नहीं बदलेगा, ठीक है। वंस टेंस हंड्रेड, ये हंड्रेड प्लेस पर है, तो इसका डेसिमल प्लेस नहीं बदलना चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद भी। सो इट इज 15500। बाकी की दो डिजिट को मैंने यहां पर जीरो कर दिया, क्योंकि नंबर पांच का डिजिट प्लेस नहीं बदल सकता। इसी डिजिट को मैंने राउंड ऑफ किया है, तो इसका डेसिमल प्लेस, इसका डिजिट प्लेस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ये बड़ा ही स्वाभाविक है, यहाँ पर ये वैल्यू है 15462। अगर आप 15462 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो सर हम सिर्फ 155 थोड़े बोलेंगे। 15000 को राउंड ऑफ करके 155 कैसे मिलेगा? 15462 को राउंड ऑफ किया और ये वैल्यू निकल कर आई 15500, ठीक है। इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही मुझको राउंड ऑफ करना था। अब दूसरे नंबर को हम कंसिडर करते हैं 14.750। तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमको रिटेन करनी है, यानी कि जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है वो डिजिट है हमारे पास 7। इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, इसके बाद वाली डिजिट है हमारी 5, और जब एग्जैक्ट 5 होता है वहां पर रूल है, इसको मैं राउंड ऑफ करने के बाद लिखूंगा 14.8, क्योंकि डिजिट 7 खुद ओड थी, इसके बाद वाला नंबर 5 है, तो ओड डिजिट अगर होगी तो उसको मैं 1 से बढ़ा देता हूं, इट इज 14.8। नेक्स्ट नंबर इज 14650 इनटू 10 टू द पावर 12। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने देखा है कि 10 की जो भी पावर्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं, और हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर ही रिटेन करनी है, यानी कि मुझे राउंड ऑफ करना है डिजिट 6 तक। अब 6 के बाद वाली डिजिट है 5, और 6 खुद में इवन नंबर है, सो राउंडिंग ऑफ के बाद ये आएगा 14.6 इंटू 10 टू द पावर 12। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक ही मुझे राउंड ऑफ यहाँ पर करना था। अब इस सवाल के अंदर देखते हैं, डिजिट टू बी राउंडेड इज 9। तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो डिजिट टू बी राउंडेड इज 9, इसके बाद में 3 है, तो ये हो जाएगा सिंपली 24.9 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अब इसको देखते हैं, यहां पर डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है वो है 3, इसके बाद वाला नंबर 5 है, डिजिट 3 खुद में ओड है, तो इसको मुझे 1 से बढ़ाना पड़ेगा, द आंसर इज 36.4। आई होप कि आपको राउंड ऑफ करने के रूल समझ में आए होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब हमने 15462 को राउंड ऑफ किया, जिस डिजिट को राउंड करना था वो थी डिजिट 4, उसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आंसर आया 15500। एक और हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 742396। हमारे पास एक नंबर है 742396, ये मेजर्ड वैल्यू है किसी भी चीज की, और इसको हमें राउंड ऑफ करना है। आपको कहा गया है कि इसको राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ अप टू 2, 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको एक बार दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, एक बार राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, एक बार आपको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसको हम कैसे करेंगे? सर व्हेन वी आर राउंडिंग इट ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर ही रिटेन करनी है, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो है डिजिट 4। सो इसको राउंड ऑफ जब हम करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आएगा 740000। दिस इज 742396। दो डिजिट तक राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास निकल कर आया 740000। और जब हम इसको तीन डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, उस केस के अंदर हमारा क्या है, डिजिट टू बी राउंडेड इज टू। तीन सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन करनी है, तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो है डिजिट 2, इसके बाद वाला नंबर 3 है, तो ये अनचेंज रहेगा 742000। सो जब मैं तीन सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन कर रहा हूं, हमारा आंसर है 742000। यहां पर आंसर था 740000। अगर मैं चार सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो है डिजिट 3, इसके बाद वाली डिजिट है 9, 5 से ज्यादा है, तो इस डिजिट को मैं एक बढ़ा दूंगा, एंड द आंसर वुड बी 7424। इसको एक बढ़ाना था मुझे, एंड 00। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यहां पर मैं किसी भी डिजिट का डेसिमल प्लेस नहीं बदल रहा हूं। हर एक डिजिट का अपने नंबर में जो डेसिमल प्लेस है वो कभी भी नहीं बदलेगा राउंड ऑफ के बाद, ठीक।
हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि भाई दो सिग्निफिकेंट डिजिट ही आपको रखनी थी और आपने इसको राउंड ऑफ करके 74 रख दिया। ये वैसे भी गलत है, इंट्यूटिवली आप इसको सोचोगे तो ये गलत है। दिस इज 7,42,396, ये 74 के बराबर होगा क्या राउंड ऑफ करने के बाद? नहीं, बट ये सेंस कर रहा है। 7,40,000, 7,42,000, 7,42,400 जब मैं चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रख रहा हूँ। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी लेवल के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फाइनल टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टॉपिक के अंदर। इसके बाद हम एरर एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा। तो इसका एक सिंपल रूल मैं आपको समझाता हूँ कि डेसिमल के बाद, जो डेसिमल के बाद हम नंबर लिख रहे हैं, इनके डेसिमल प्लेसेस नहीं होते। 0.36 दिस इज 1/100, 0.0623 दिस इज 1/10,000। सो एडिशन का रूल ये है कि इन नंबर को हमको जब ऐड करना है तो इनको आप हमेशा एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से करना है। 24.36, अब इसके अंदर ऐड करना है 0.0623, 0.0623। सो सारे के सारे नंबर आप एक अलाइनमेंट में लिखिए और डेसिमल पॉइंट सबका सेम ही लोकेशन पर आएगा। सो दिस इज 0.0623। अब ऐसे हमारा थर्ड नंबर है 256.2। सो पॉइंट सबके अलाइनमेंट में लिख दीजिए, दिस इज 256.2। और इन तीन नंबर्स को मैं कर रहा हूं ऐड। अब सर इनको ऐड करने से पहले एक चीज मुझे यहां पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई कि ये जो सबसे कम जहां पर डेसिमल वैल्यूज हैं हमें वहां तक राउंड ऑफ करना होगा। आपको क्या समझना है, रूल क्या है हमारा, कि जो सबसे कम जिस नंबर के अंदर डेसिमल वैल्यूज हैं हमें वहां तक राउंड ऑफ करना होगा। आपको ये सारी की सारी जो डिजिट्स हैं इसके बाद में इन सबको हमें हटाना है, राउंड ऑफ करना है हमें जो सबसे कम डेसिमल वैल्यूज हैं वहां तक। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। पहले पहला नंबर हमारे पास हो जाएगा, पहला नंबर हमारे पास निकल कर आएगा 24. सर डिजिट टू बी राउंडेड यहां पर कौन सी है, 3। हमें 3 को राउंड ऑफ करना है तो इसको बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, सो इट इज 24.4। अब इस केस के अंदर डिजिट कौन से डिजिट राउंड ऑफ करनी है, ये 0 को राउंड ऑफ करना है, इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, सो दिस इज 0.1। राउंड ऑफ करने के बाद अब मैं इनको लिख रहा हूं 256.2। अब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, दिस इज 256.2। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, दिस इज 7, दिस इज 0, कैरी ओवर 1, दिस इज 8 एंड दिस इज 280.7। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, कितने डेसिमल पॉइंट्स होंगे डेसिमल के बाद, यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर है और जिन नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं उसके अंदर 256.2, इसके अंदर सबसे कम डेसिमल नंबर्स थे, सबसे कम यहां पर डेसिमल के बाद नंबर्स थे। तो हमारे फाइनल आंसर के अंदर भी केवल और केवल हम इतने ही डेसिमल पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी से रिलेटेड होता है। तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ किया, जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर थी डेसिमल के बाद वही डिजिट्स मुझे रिटेन करनी है हर एक नंबर में और उसके बाद मुझे उनको ऐड कर देना है। ओके, और जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर हैं वो कहीं ना कहीं हमको बताते हैं उस डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 1 प्लेस, दिस इज 10 प्लेस। तो जब भी मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको याद रखना है, ये मेथड याद रखिएगा, सबको एक अलाइनमेंट में लिख लीजिए, सबके डेसिमल पॉइंट्स एक लाइन में होने चाहिए, फिर जिस नंबर के अंदर सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स हैं वहां तक हमें राउंड ऑफ करना होगा, बाकी डिजिट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, पहले हमने राउंड ऑफ किया है उसके बाद ऐड किया है, ऐड करने के बाद राउंड ऑफ नहीं करिएगा। पहले आप इन सभी वैल्यूज को अप टू 1 डेसिमल पॉइंट ही लिखना है, क्योंकि सबसे कम डेसिमल पॉइंट 256.2 में थे, तो इन सारे नंबर को मैं 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करूंगा। इसको 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, ये निकल कर आया 24.4। इसको भी 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, ये निकल कर आएगा राउंड ऑफ होने के बाद 0.1। और ये पहले से ही 256.2 है, अब इनके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी लेवल के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो इसीलिए हम किसी भी वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल जब हम वॉल्यूम निकाल रहे थे हमने यहां पर ए क्यूब किया साइड क्यूब और वैल्यू निकल कर आई 2.744। तो ये सारी की सारी जो डिजिट्स निकल कर आई हैं सर ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती, क्योंकि
जो लेंथ हमें किस एक्यूरेसी लेवल तक पता है, लेंथ का एक्यूरेसी लेवल है, वहां हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पता है, तो वॉल्यूम के अंदर इतनी सारी वैल्यू सर्टेन कैसे हो सकती हैं, इतनी सारी जो डिजिट्स हैं वो रिलायबली नोन कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो हमारे फाइनल आंसर के अंदर भी सिर्फ कितनी डिजिट्स होनी चाहिए जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहां मिनिमम दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यही हमारे फाइनल आंसर के अंदर भी होनी चाहिए। तो ये लॉजिक हमने यूज किया। अब इसी तरीके से जब मैं दो मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, 12 को 7 से डिवाइड कर रहा, तो सर इतनी सारी डिजिट्स तो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। तो जब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर ही रिटेन करूंगा और मुझे सेकंड डिजिट तक यहाँ पर राउंड ऑफ करना होगा। और राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी मैंने आपको बता दिए, एडिशन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में मैंने इस एग्जांपल को भी डिस्कस किया कि अगर आपने एक डायमंड खरीदा और उस डायमंड का वजन आपने करके दिया अपने दोस्त को जो अपने घर को दिखाने के लिए लेके गया था, और आपके वेइंग स्केल की एक्यूरेसी 0.05 थी, अगले दिन आपने वजन किया 8.09 ग्राम निकल कर आया, तो ये एग्जाम्पल हमें बहुत कुछ बताता है अबाउट द नेचर ऑफ मेजरमेंट एंड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग दिस फिजिकल वर्ल्ड, एंड इन ऑर्डर टू स्टडी दिस फिजिकल वर्ल्ड वी आर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के अंदर हम कोई ना कोई मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं, और हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन है, और वही लिमिटेशंस हम किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी मेजर्ड वैल्यूज को सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ लिखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।